मध्य प्रदेश सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल एयरपोर्ट से रविवार को प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरी। यह यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। 19 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर ले जाया जाएगा। रविवार को पहली ट्रिप में भोपाल के यात्री तीर्थ दर्शन के लिए निकले और एक घंटे में सभी प्रयागराज में लैंड हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुजुर्गों को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की, अगली बार बुजुर्ग जोड़ों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। हम अपने बुजुर्गों को हवाई जहाज से ले जा रहे हैं और ऐसे हवाई जहाज और अलग अलग स्थानों से तीर्थयात्रियों को ले जाएंगे और मेरे बुजुर्ग हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करेंगे। बेटा तीर्थ यात्रा करवाएगा, चिंता मत करना, अनवरत जारी रहेगी, सिलसिला टूटेगा नहीं, रेल से भी जारी रहेगी। 7,32,000 से ज्यादा लोगों को रेल से तीर्थ ले गए हैं तो रेलगाड़ी यात्रा भी जारी रहेगी और हवाई जहाज यात्रा भी जारी रहेगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।